हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्यूजन विद इंदु। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 2 बड़ी प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिसा हुआ, 1 कटी हरी मिर्च, कटे हुए धनिए के पत्ते और कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा। अब हम इन सभी सामग्री को एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी आता है। 1 टीस्पून ऑयल, 1 बाइंडिंग के लिए चावल का आटा। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके एक डो बना लेंगे। और हाँ, यहाँ मेरा 6 से 7 चम्मच चावल का आटा यूज हुआ। अगर आपका डो बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा पानी और यूज कर सकते हैं। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस करके डो को कटलेट का शेप देंगे, आप अपनी मनचाही शेप भी बना सकते हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई में ऑयल, जिसे अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे और एक एक करके सभी कटलेट को कढ़ाई में डीप फ्राई कर लेंगे। कटलेट डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा ना लो कर लेंगे, जिससे सारे कटलेट अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको मेरे चैनल की अपडेट्स चाहिए तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब आप देख ही सकते हैं कि हमारे कटलेट कितनी अच्छी तरह से सिककर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हमारे कटलेट सर्व करने के लिए तैयार हैं।